अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला चाइनीज़ राइस। उसके लिए मुझे स्पाइसेस चाहिए, वो हैं ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और सॉल्ट, और ये हैं एग्स, टमाटोज़, और ये ग्रीन चिलीज़ हैं, ये कैप्सिकम है, और ग्रीन ऑनियंस चाहिए, और ये बॉइल्ड चिकन है, कैरेट्स, बॉइल्ड पीस, कैबेज, गार्लिक पेस्ट, सोया सॉस और वाइट विनीगर। चलें स्टार्ट करते हैं। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया गार्लिक, और मैं इसको हल्का सा ब्राउन कर रही हूँ। गार्लिक को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करना है। गार्लिक हो गया हल्का सा ब्राउन, उसके बाद मैं डाल दूंगी टमाटोज। टमाटोज को यहाँ पे फ्राई करूंगी, और उसके बाद मैं साथ ही ग्रीन चिली डाल दूंगी। चाइनीज़ राइस का मसाला रेडी हो गया, तो उसके बाद मैं कैरेट्स ऐड करूंगी और इनको हल्का सा फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं कैरेट्स के बाद डालूंगी इसमें पीस जो मैंने बॉईल किए हुए थे, और इनको फ्राई करना है हल्का सा। इन वेजिटेबल्स को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ सौते करना है हल्का सा। उसके बाद मैं डाल दूँगी कैप्सिकम। आप इसमें पीस की जगह कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, या आपकी मर्ज़ी है। और इनको फ्राई करना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एग। एग पहले से मैंने फ्राई करके रखे थे, इसमें हल्का सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के एग को मैंने फ्राई किया था, और इसमें बॉइल्ड चिकन मैंने मिक्स किया है, और इसके बाद इसको मैं मिक्स करूँगी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, 20 मिनट्स में बनने वाली। वेजिटेबल्स को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाल दिए कैबेज, बिल्कुल लास्ट में डालूंगी क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको लास्ट में डालती हूँ। और मैंने इसको मिक्स करना है अच्छे तरह से।
सब वेजिटेबल्स को मिक्स करने के बाद मैं एंड में ऐड कर रही हूँ ग्रीन ऑनियंस। फाइनली मेरा यहाँ पे मसाला रेडी हो गया था, तो मैंने इसमें अब बॉयल्ड राइस ऐड किए हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मेरी इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।